अगर कोई ऐसा इंसान है जो आज भी इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप को अपने देहांत के 6 दशक बाद भी इन्फ्लुएंस करता है, तो वो है ये आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, B.R. अंबेडकर। आज भी एक ऐसी शख्सियत है जो इस धरती के किसी भी महान बेटे से कम नहीं। दलित के लिए वे भगवान है और बाकी देश के लिए वे वो इंसान है जिन्होंने इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाया। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में जन्मे भीमराव रामजी अंबेडकर एक एग्जेम्पलरी स्टूडेंट थे। हालांकि उनका जन्म महार कास्ट में हुआ था, जो कि उस वक्त अनटचेबल्स माने जाते थे, लेकिन क्योंकि अंबेडकर जी के पिता ब्रिटिश आर्मी में थे, वे अपने बेटे को स्कूल में पढ़ा सके। जिंदगी के हर पड़ाव पर डिस्क्रिमिनेशन से जूझते हुए नन्हे मुन्ने अंबेडकर ने अपने दृढ़ निश्चय से मैट्रिकुलेशन पास की और फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त की। अपने मेरिट के दम पर कई सारे स्कॉलरशिप्स पाकर इंडिया से ये दलित कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए। लॉयर बनकर लौटते ही अंबेडकर ने दलित के राइट्स के लिए लड़ाई शुरू कर दी, जहां एक तरफ युद्ध में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव उनके अरीनास बने, तो वहीं दूसरी तरफ प्रोमिनेंट प्रोटेस्ट्स में से थे सबके लिए मंदिरों में एंट्री और पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर बांटना। इंडिपेंडेंस के बाद अंबेडकर जी इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बने। जो अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट किया वो एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट बन गया, जो आज भी इस देश और इसके पॉलिसीज का अहम सार है। बैकवर्ड क्लासेस को कई सालों बाद फाइनली ऑप्रेशन और इनइक्वालिटी से मुक्ति मिली। 1990 में उनके देहांत के बाद देश ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। इस महान व्यक्ति ने अपनी आखिरी सांसें ली 6 दिसंबर 1956 में और अपना ऐसा फुटप्रिंट छोड़ गए जो हमेशा इंडिया का सबसे ऊंचा नेशन बिल्डिंग रहेगा।